नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दरबार में सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जहां दूर दूर से दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे और माता के जयकारों के साथ माता का दरबार गूंज रहा है। मान्यताओं के अनुसार माता का यह मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है, जहां मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी विराजित है और माता अपने भक्तों को तीनों रूपों में दर्शन देती है। माता का यह मंदिर सिद्ध क्षेत्र है, जहां पर कई वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की है और जहां पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना भी पूरी होती है और मन्नत पूरी होने पर नंगे पांव तो कोई घुटनों के बल चलकर मंदिरों में पहुंचता है। चैत्र नवरात्रि पर प्रशासन द्वारा माता टेकरी को आकर्षक विद्युत लाइटिंग से सजाया गया है। वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्मी को देखते हुए पीने के पानी, टेंट और कारपेट की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पर नवरात्रि में भक्तगण दर्शन करने आते हैं, लोग अपनी मान्यताएं लेकर के आते हैं, मान्यताएं पूरी करने आते हैं। इसी के पश्चात यहाँ पर भगवती के अनेकों ऐसे स्वरूप यहाँ देखे जाते हैं कि तीन स्वरूप में माँ दर्शन देती है, भीड़े का भोग लगाया जाता है, अनेक चमत्कार माता जी के यहाँ पर देखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ दो स्वरूपों में माता बैठती है, चामुंडा माँ तुलजा भवानी दो ही बहनें हैं। पहले दोनों देवियाँ एक ही जगह पर विराजमान थी, दोनों देवियों ने अपनी लीला को रचने के लिए एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए एक दूसरे को पीठ दे करके बैठ गए। तो उसी प्रकार माई यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। आपका नाम? महंत विनायनाथ पूजा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।